हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज विलियम शेक्सपियर पर बेस्ट कुछ और वनलाइनर जो थोड़ा सा आपको अलग एहसास दिलाएगा कि ये क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? तो ये वीनस एंड एडोनिस है, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, वीनस एंड एडोनिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर्स ओफेलिया गर्ट्रूड अपीयर्स इन द शेक्सपियर प्ले, तो हेमलेट है, ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन रिवाइज तो करना पड़ेगा ना भाई। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ऑमिटेड? यू नो ऑमिटेड, ऑमिटेड मीन्स होता गायब था, तो पेरिकल्स था। विच प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले? तो रोमन प्ले नहीं है, तो हेमलेट है। हु हैज रिटेन द गिवन लाइंस टू इट टू मेरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डॉथ क्लियर द प्लॉट? ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है। विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटेन इन सिक्स लाइन स्टेंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी? देखिए साइन ऑफ इमेच्योरिटी को दर्शाता है और सिक्स लाइन स्टेंजा है, यानी जिसे हम एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, और वो इमेच्योरिटी मतलब अपरिपक्वता को दिखाता है। इसमें छह लाइन की पोयम है वीनस एंड एडोनिस। हम वीनस एंड एडोनिस पर विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट नैरेटिव पोयम्स हैं और उन पर उनका जो सोनेट्स है उस पर एक वीडियो हम लेकर के तुरंत आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स बिट्राइस एंड बेनेडिक इंपॉर्टेंट है। बिट्राइस एंड बेनेडिक अपीयर इन शेक्सपियर प्ले, तो मच एडो अबाउट नथिंग का ये दोनों कैरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद पूछा गया था पिछली बार में। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स जॉनस फॉक्टोट्रम? तो देखिए जॉनस फॉक्टोट्रम जो है ए ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रॉबर्ट ग्रीन ने बोला। आपको बता दें कि रॉबर्ट ग्रीन को विलियम शेक्सपियर बिल्कुल पसंद ही नहीं थे, जितने भी खराब से खराब क्रिटिकल अप्रिसिएशन उन्होंने दिया है, कमेंट किया है, वो रॉबर्ट ग्रीन ही है। ठीक है, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस थाउ आर एज अनब्रीड आयर यू वेयर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेथ, ये भी लाइन विलियम शेक्सपियर की है। लिजेंडर इन अ कैरेक्टर इन मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, लिजेंडर मिड समर नाइट्स ड्रीम। द फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन शेक्सपियर्स प्ले वेयर एडिटेड बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल उनके साथ काम करने वाले लोग, क्योंकि फ्रेंड कह सकते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर, अगर लास्ट फेज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स टेम्पेस्ट आ जाएगा, विंटर्स टेल आ जाएगा, सिम्बेलियन आ जाएगा, ये कुछ ड्रामाज हैं जो लास्ट फेज को शो करते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना केम? तो ये अर्ली कॉमेडीज हैं, स्टार्टिंग में आप यू कैन से 1599 ईयर अबाउट का ये रचना है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो जब शुरू किए थे स्टार्टिंग में कॉमेडी वगैरह लिखना, तब के ये है। आगे बढ़े। As you like it does not belong to the last phase of Shakespeare literary career. तो श्योर है कि as you like it भी last phase क्या कह रहा है, does not belong, तो last phase से belong नहीं करता है अभी। Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? तो कह रहे हैं कि किसने बोला है विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है Macbeth, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर Macbeth does murder sleep innocent sleep, ये Macbeth की लाइन है। ठीक है, Macbeth does not murder sleep innocent sleep, यानी नहीं हो सकता है कि जब मैकबेथ मारने जाता है तो बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा, तब लेडी मैकबेथ बोलती है जाओ चूड़ियाँ पहन लो और मैं जा रही हूँ मारने, लेडी मैकबेथ ने बोला था, वही की लाइन है। इन विच प्ले द मिडिल क्लास प्रोविंस लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? देखिए प्रोविंस लाइफ को डिपिक्ट किया है, चरित्र किया है, तो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, विच वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पस्टोरल रोमांस, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। पस्टोरल रोमांस इज एज यू लाइक इट, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ओ सॉरी ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट एमोंग अरेबियन सैंड्स, विच पोयम वर्ड्सवर्थ कंटेन द एबव मेंशन लाइन? तो द सॉलिटरी रीपर में यह लाइन को शो किया गया है, जब वो स्कॉटलैंड का पोयम होता है और वो छोटी सी बच्ची फसल को काट रही होती है, गैलिक लैंग्वेज में है जिसको हम अर्स बोलते हैं। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, तो कह रहा है एलिजाबेथन की बात करते हैं, तो 1558 टू 1603 या 1603 की हम बात पर बता दें, क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ था, ध्यान रखिएगा, और 1616 में विलियम शेक्सपियर का डेथ हुआ था। डन,
इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अपीयर? तो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, सेकेंड हम 32 बोलेंगे और सिक्स बोलेंगे 64 और फोर्थ बोलेंगे 85, ठीक है। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इन द ड्यूक ऑफ मिलन, अब टेम्पेस्ट में जो प्रॉस्पेरो था वो कहाँ का था? तो ड्यूक का, यानी ड्यूक मतलब राजा होता है, कहाँ का राजा था? तो मिलन का राजा था। फ्रांसिस बेकन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, ये सत्य बात है, नहीं यूनिवर्सिटी विट्स में फ्रांसिस बेकन नहीं थे, ना ही विलियम शेक्सपियर थे। मार्लो, नॉस, ग्रीन, लॉज, थॉमस कीड इत्यादि इस तरह के जो लोग थे वो यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किए जाते हैं। कुछ एलिजाबेथन पोएट में भी वो लोग होते हैं, जैसे मार्लो वगैरह, थॉमस कीड वगैरह एलिजाबेथन पोएट में भी गिने जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए। देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज रिटेन इट? तो विलियम शेक्सपियर की लाइन है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की लाइन है। नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटेन इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये मैकबेथ की लाइन है और अक्सर पूछा जाता है कि इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, आप बताइए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, वॉकिंग क्या बोलते हैं ये, कैसे करके भी है उसमें एक लाइन। फ्रॉम होम डिड फ्रांसिस बेकन डिराइव्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एस्से, तो फ्रांसिस बेकन का जो कॉन्सेप्ट था कहाँ से एस्से का लिया गया था, और मोंटेंग से लिया गया था। विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटेन इन सिक्स लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड इन यूनिवर्सिटी, ए रिपीटेड क्वेश्चन है, विनस एंड यूनिस। विच प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, द मेरी वाइफ्स ऑफ मिनिस्टर, सिंबलाइन इज रिटेन इन 1608 टू 1610, मैंने बोला था लास्ट फेज की रचना है ये। हेनरी सेवन इज नॉट अ टाइटल ऑफ द प्ले रिटेन बाई विलियम शेक्सपियर, उन्होंने फोर्थ लिखा है, सिक्स लिखा है, एट्थ लिखा है, लेकिन उन्होंने सेवन्थ नहीं लिखा है, हेनरी सेवन्थ, तो आप भाई ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म, तो ट्रेगिक कॉमेडी है, या ट्रेगिक कॉमेडी है, कौन? मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलॉक और वैसेनियो और एंटोनी वाला, क्लियर है। विच इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस किंग लियर, तो फिलियल इन ग्रेटिट्यूड, डोमिनेंट थीम की हम बात करते हैं फ्रेंड्स किंग लियर का, तो फिलियल इन ग्रेटिट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड, सॉरी। कैसियो बिलोंग टू विच फेमस शेक्सपियर ट्रेजडी, तो जो कैसियो है वो बिलोंग करता है ओथेलो से। मच एडो अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी, हेनरी सिक्स इज रिटेन बाई शेक्सपियर इन 1601, अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सॉन्ट्स वर प्रिंटेड बाई थॉमस थोर्प, कब हुआ था ये? 1601 नहीं है बच्चा, ये 1609 है, 1609 में सोनेट को प्रिंट किया गया था बाई थॉमस थोर्प। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, तो विनस एंड ऑर्डिनिस हो गया है। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 23, 1616, अभी मैंने बताया है, और 1603 एलिजाबेथन, यानी एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ की बात कर रहा हूँ, वो उनका डेथ हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टैटफोर्ड, तो न्यू पैलेस था, न्यू प्लेस है कि न्यू पैलेस, न्यू पैलेस होगा, न्यू पैलेस। विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजडी ऑफ शेक्सपियर, तो ये है हुक्म है, जिसको हम HOKM आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन शेक्सपियर ड्रामा विच वाज ओमिटेड ऑफ पेरिकल्स हो गया है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे, तो हो जाएगा आपका लव्स लेवर लॉस्ट, सोशल सटायर है, अगर जब भी बात आए सोशल सटायर का तो आप समझ लीजिएगा लव्स लेवर लॉस्ट। डेसडेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो ओथेलो की डेसडेमोना है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, यही मैं कह रहा था, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ये फिगर ऑफ स्पीच भी बोलता है, तो ये मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ की लाइन है, पूछ रहा है एक्ट फाइव सीन फाइव में। एंटोनियन क्लियोपाट्रा इज अ ट्रेजडी, विलियम शेक्सपियर्स लव्स नेवर लॉस्ट वाज प्री एडाप्टेशन ऑफ मेनेस्मी ऑफ प्लाटस, हु एक्सनेंस इन हिज सॉनेट अंडर दिस कॉर्बेट मार्बल ऑफ थीन ओन स्लीप ब्रेन ट्रेजडी शेक्सपियर स्लीप अलोन, विलियम वैसे की लाइन है ये। हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विथ अ फीदर्स, तो भाई ए रॉबर्ट ग्रीन साहब हैं, अपस्टार्ट क्रो उन्होंने बोला था, फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन। बोसोला इज द नेम ऑफ द
एक्सिक्यूशनर इन द डचेस ऑफ माल्फी. डचेस ऑफ माल्फी याद है आपको, जॉन बेबस्टर की रचना है. द एथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रेन एंड लेडी मैकबेथ. तो एल्सी नाइट का हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ, तो इंपॉर्टेंट है ये भी वर्क एल्सी नाइट का. द मेन थीम ऑफ फर्स्ट इज ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल फिजिकल थोड़ा सा हाँ आइए फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट. नेक्स्ट है सर थॉमस मोर. द एथर ऑफ उटोपिया बिलोंग टू इंग्लैंड. मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं इमेजरी प्लीजेंट वर्ल्ड. होली सोनेट्स जॉन डन है. डचेस ऑफ माल्फी जॉन बेबस्टर अभी मैंने बताया. टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग और आगे बता रहा है. शेक्सपियर सोनेट्स एंड्स विद द कैपुलेट आपको बताया, थ्री क्वार्टर्स एंड वन कैपुलेट. लाइफ्स बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्ले अकर्स इन द शेक्सपियर मैकबेथ. द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज लव. टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाई शेक्सपियर इज 154 को आपको और ध्यान रखना होगा. इसका कैसे क्या करना है ध्यान रखिएगा. जेम्स वॉयस डिड नॉट विन द प्राइज फॉर लिटरेचर. तो उन्होंने जेम्स वॉयस ने जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज उन्हें नहीं मिला है. इन फिक्सन द एथर्स ओवरऑल मेन आइडियाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल द थीम. यानी स्पेशली किस में, फिक्सन में यानी नॉवेल्स में बात कर रहा है कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट का तो वाट यू विल क्या है, ट्वेल्थ नाइट है का टाइटल सब टाइटल कह सकते हैं. द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन हैमलेट. देयर इज अ स्मेल स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो. ठीक है, ये लाइन भी कहाँ से बिलोंग करता है, हैमलेट से. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर सी एच. भूलना नहीं भाई, एग्जाम्पलर सी एच. बेल आइकन को दबाइए, जुड़े रहिए, मज़ा आएगा.